दोस्तों मानसून का सीजन चल रहा है, ऐसे में कई बार बारिश में भीग जाने के कारण बालों और स्किन में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब बारिश के कारण हमारे बाल भीग जाते हैं, हमारे बाल गीले हो जाते हैं और हमारे स्कैल्प पर पिंपल्स होने लगते हैं। बालों के अंदर होने वाले ये पिंपल्स बहुत दर्द करते हैं। इनसे आपका सिर सारा दिन भारी रहता है और आपका हाथ पूरा दिन इन पिंपल्स पर रहता है, जिससे आप बार बार इनको कुरेदते रहते हैं और जिससे आपके सिर में जख्म बनने लगते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कमाल का नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके सिर में होने वाले पिंपल्स एक दिन के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधा करते हैं नुस्खे की बात। दोस्तों इस नुस्खे को करने के लिए आपको आधा कटोरी एलोवेरा जेल लेना है और उस एलोवेरा जेल के अंदर आपको एक चम्मच पुदीने के पत्तों का पेस्ट मिला लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिलाकर आपको इसे अपने सिर की स्कैल्प पर लगाना है और कम से कम आपको 30 मिनट इसे अपने सिर पर लगा रहने देना है। उसके बाद आपको हल्के शैम्पू से अपने सिर को वॉश कर लेना है। दोस्तों एक या दो बार ऐसा करने से आपके सिर में हुए पिंपल्स पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों यह एक बेहद ही कमाल का और आसान नुस्खा है जिससे न केवल आपके सिर के पिंपल्स ठीक होते हैं, आपके बाल भी मजबूत होते हैं और आपके सिर की अच्छे से सफाई हो जाती है। तो दोस्तों इस नुस्खे को जरूर ट्राई करें और इससे आपको क्या लाभ होते हैं वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।